हमारे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो खास तौर पर स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट के लिए हैं जो अपने सभी छात्रों का रिजल्ट तैयार करने की परेशानी से जूझ रहे हैं। यानी अभी तक जो डेटा शीट तैयार किए जाते हैं या रिजल्ट शीट तैयार किए जाते हैं वो मैनुअल पैटर्न के आधार पर किए जाते हैं। और यदि आप सोच रहे हैं कि हम कंप्यूटराइज करना चाहते हैं लेकिन ऐसा कोई एप्लीकेशन मिल जाए या ऐसा कोई बेस मिल जाए जिसके आधार पर हम सिर्फ डेटा एंट्री करें, यानी स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट करें और उसका रिजल्ट स्वतः ही बन जाए और वो भी प्रिंटेड स्थिति में, तो उसके लिए हम जो है कि डेटा शीट तैयार करना सीख रहे हैं एक्सेल के अंतर्गत। यदि आपने अपना डेटाबेस स्टार्टिंग में मेंटेन किया है, जैसे इसके जो प्रमुख पॉइंट्स होंगे वो इस प्रकार से होंगे, हम इसको मेंटेन करेंगे क्लास वाइज। आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एनी जो भी क्लास है उसका डेटा एंट्री करना है अलग अलग डिफरेंट सीट पर। उनके नाम भी हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। सीट यदि फर्स्ट क्लास का है तो हम फर्स्ट क्लास डेटाबेस कहेंगे। उसके अंतर्गत फर्स्ट टाइम स्टूडेंट का एंट्री करना होगा, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका ट्रिपल SSM ID, आधार नंबर यदि आपके लिए मैंडेटरी आपने रखा है तो आधार नंबर, उसकी कैटेगरी मेल फीमेल, ये डेटाबेस आपको मेंशन करना होगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग यदि आप देना चाहते हैं उसमें तो वो भी आप रख सकते हैं। यानी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसमें क्या क्या डेटा रखना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। उस डेटा को आपको वन टाइम इनपुट करना है। सेकेंडरी तौर पर प्रत्येक क्लास टीचर, यानी हम जो कार्य करने जा रहे हैं एक्सेल पर वो सभी स्कूल्स के लिए और उसके स्टाफ मेंबर के लिए बहुत इजी होगा। यानी प्रत्येक क्लास का डेटा सिर्फ वहाँ का क्लास टीचर मेंटेन करेगा। यानी हायर सेकेंडरी है और कि 12 क्लासेस चल रही हैं तो प्रत्येक टीचर को सिर्फ और सिर्फ अपनी एक क्लास का डेटा मेंटेन करना है। अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं उनसे वो डेटा कलेक्ट करेगा और सिर्फ डेटा एंट्री करेगा, उसको मार्क्स चढ़ाना है। एक क्लास में यदि 50 स्टूडेंट के मार्क्स उसको इनपुट करने हैं, इससे ज़्यादा को कोई काम नहीं रहेगा। अभी तक जो रिजल्ट शीट तैयार करते हैं उसमें काफ़ी समस्याएँ आती हैं, क्योंकि टीचर को फर्स्ट में तो उसको मार्क्स कॉपी चेक करना है। कॉपी चेक करने के बाद कॉपी पे जितने भी मार्क्स उन्होंने लिखे हैं या स्टूडेंट को मार्क्स आए हैं उसको कॉपी के ऊपर वो राउंड करते हैं। वहाँ से फिर एक रिजल्ट शीट तैयार करते हैं, उसके अंतर्गत पूरे मार्क्स नोट करते हैं। इसके बाद सभी टीचर, जितने डिफरेंट सब्जेक्ट वाले टीचर्स हैं, वो डेटा क्लास टीचर को देते हैं। क्लास टीचर उन अलग अलग डिफरेंट सीट के आधार पर प्रत्येक स्टूडेंट का नाम मार्कशीट में रिटर्न करता है, उनकी समग्र ID, उनके पेरेंट्स के नेम, डिफरेंट सारी सभी चीज़ें, और उनके मार्क्स भी वो इनपुट करता है, फिर टोटल भी निकालता है, फिर परसेंटेज भी निकालता है, फिर ग्रेड भी निकालता है। तो काफ़ी समय लगता है और टीचर परेशान होता कहीं ना कहीं। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स उसमें हो जाती है, क्योंकि वो हस्तलिखित होता है और कई बार स्थिति ये होती है कि सही होने के बावजूद लेखन शैली में कहीं ना कहीं डेटा गलत हो जाता है। साथ ही साथ प्रिंट में भी काफ़ी समय लग जाता है और वितरण करने में, इस प्रकार से रिजल्ट डिले होता है। तो आप चाहते हैं कि एक बार इन डेटा आने के बाद, यानी कॉपी चेक होने के बाद एक बार डेटा इनपुट करें, रिजल्ट खुद बन जाए, स्टूडेंट का नाम स्वतः ही ले ले वो, उसका ग्रेड बना दे, उसकी कैटेगरी बन जाए, उसके SSM ID मिल जाए, उसका आधार कार्ड नंबर जो आपको रजिस्टर से वाया मार्कशीट पर ले जाना पड़ रहा है वो भी ना ले जाना पड़े। यानी एक बार हम इनपुट कर दें, इसके बावजूद बाद जब भी हमें उसे उसकी ज़रूरत लगे तो हम उसको इम्पोर्ट कर लें। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एक और ये भी होगा कि यदि 6th क्लास में या 5th क्लास में आपने डेटा मेंशन किया है, अब वो सारे स्टूडेंट 6th क्लास में गए, आपने देखा हो कि बहुत कम ही स्टूडेंट्स स्कूल को छोड़ कर के जाते हैं, यानी जिनको TC दिया होता है वो नेक्स्ट क्लास में जब जाते हैं, जंप करते हैं, तो वहाँ पर पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। यानी आपको अब डेटा फिल करना नहीं पड़ेगा, उन डेटा को डिलीट करना होगा जो स्टूडेंट स्कूल छोड़कर जा चुके हैं।
यानी बहुत इजी कार्य प्रणाली आपकी हो जाएगी, यानी बहुत ही आसानी से आप एक बार मेंटेन करने के बाद उनका पूरा डेटा मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम उनके फीस स्ट्रक्चर्स और बाकी चीज़ों पे भी जाएंगे। अभी हम खास तौर पे जिस जो मेज़र है वो है रिजल्ट, जिसके अंतर्गत आप जैसा चाहें, आप यदि उनका रिजल्ट में आपकी मार्क्स आप मार्कशीट में जो है कि टर्मिनल एग्ज़ाम्स हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम को मेंशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, आप टेस्ट वगैरह भी उनके मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हम फॉर्मेट में निर्धारित करेंगे। अभी हम जो है कि टर्मिनल और हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो उसमें इंक्लूड करेंगे कि किस प्रकार से आप इन तीनों एग्ज़ाम के मार्क्स इंक्लूड करेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज, और टोटल परसेंटेज और ग्रेड उनका निकल जाएगा, और यदि वो प्रेजेंट अब्सेंट है तो वो भी निकल जाएगा, वह उसको सप्ली आती है या ग्रेस से पास होता है तो वो भी उसमें निकल जाएगा ऑटोमेटिक ही। लेकिन हम स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे क्योंकि ये पूरा डेटाबेस एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट नहीं होना है, इसके अंतर्गत हमें कई वीडियोस लगेंगे और एक बार में कोई चीज़ हमें समझ में भी नहीं आती आपको। लेकिन उस डेटाबेस में कहीं कोई संशोधन करवाना है या समझना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, और यदि वीडियो हमारा पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए आज हम कुछ चीज़ें यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर हमने अपना एक मार्कशीट मेंशन किया हुआ है, तो इस मार्कशीट को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक्सेल ओपन किया है और एक्सेल के अंतर्गत मैंने असाइन किया है यहाँ पर शुभम एकेडमी, जिसके अंतर्गत हमने दो रो और कुछ कॉलम सेलेक्ट किए। इतने को सिलेक्ट करने के बाद ये मर्ज ऑप्शन के माध्यम से मैं मर्ज कर चुका हूँ। एक सेल यहाँ पे हो चुका है, इसके बाद यहाँ सेशन मैंने डिक्लेयर किया है। इसके अलावा भी आप एड्रेस वगैरह भी मार्कशीट पर अपने स्कूल का देना चाहते हैं, जैसे हम देना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप राइट क्लिक कर एक रो इंसर्ट कर सकते हैं, एंटर रो ओके कर दीजिए। यहाँ एक रो इंसर्ट हो चुकी है, इसको हम ऊपर कर देते हैं, ये एक रो आ चुका है, इसको आप चाहें तो मर्ज कर सकते हैं, सेलेक्ट करें और ये मर्ज कर लीजिए। इसके बाद हमने कुछ डेटा यहाँ पर लिया है, वो है क्लास, इसके बाद लिया है रोल नंबर यहाँ पर लिया है, ट्रिपल SSM ID लिया है, आधार नंबर लिया है। अब ये जो डेटाबेस है ये मार्कशीट का प्रिंट लेआउट है, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर हमें ना ही रोल नंबर देना है, सॉरी एक चीज़ हमें देना पड़ेगा, या तो हम रोल नंबर दे दें या नेम दे दें स्टूडेंट का। तो यहाँ पर से हम क्लास बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट कर देंगे, या क्लास का डेटा भी हम रोल नंबर के साथ ही मेंशन करेंगे, यानी हम रोल नंबर देंगे फर्स्ट टाइम, हम क्लास देंगे, क्लास का प्रिंट निकालना है, इसके बाद उसका रोल नंबर देंगे, और रोल नंबर देने के बाद हम उसका ट्रिपल SSM ID, आधार नंबर, ये सब कुछ यहाँ पे पाएंगे। यानी ओनली रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर से आप मेंटेन करते हैं डेटा को, तो वो आपको मेंशन करना होगा। रोल नंबर क्लास एग्ज़ाम्स के लिए होते हैं, ज़्यादा अच्छा है कि आप इनरोल के आधार पर भी इसको मेंशन कर सकते हैं। इनरोल हम इसको कर देते हैं, तो एनरोलमेंट स्कूल का प्रत्येक स्टूडेंट का जनरेट हो जाएगा जब वो एडमिशन लेता है, तो इनरोल के आधार पे भी आप मेंटेन कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसको रोल नंबर, चूँकि मार्कशीट है तो इसमें दोनों ही चीज़ हम रख सकते हैं, तो आप जैसा चाहें जिसके आधार पर आप डेटा मेंशन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। ये करने के बाद हमने यहाँ पर लिख रखा है मार्कशीट स्टेटमेंट, तो आप मार्कशीट स्टेटमेंट डिक्लेयर करें या आपको और भी कोई डेटा मेंशन यहाँ पे करना है तो वो हम यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं, उसमें आप अपने अपने आधार पर डेटा मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर कॉलम लिया है सब्जेक्ट का, टर्मिनल एग्ज़ाम्स के अंतर्गत कितने मार्क्स किसी सब्जेक्ट में आए, हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम। अब यहाँ पे क्या करना है कि प्रत्येक क्लास का डेटा आपको मेंशन करना है नेक्स्ट शीट पर। एक शीट हम लेते हैं शीट 1, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं फिफ्थ क्लास से या फर्स्ट क्लास से, वो एनी कोई भी क्लास हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर फिफ्थ क्लास का मेंशन करते हैं, और फिफ्थ क्लास के अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनका डेटा आप यहाँ पर मैनेज कीजिए। या तो आप जैसे ये मार्कशीट सब्जेक्ट वाइज रिज़ल्ट है तो हम सब्जेक्ट वाइज ना रख करके इनका जो है एडमिशन डेटा शीट यहाँ पर क्रिएट करेंगे,
और एडमिशन के अंतर्गत हम एक और यहाँ पर सीट, इससे अच्छा है कि मैं एक सीट यहाँ पर ले लेता हूँ, जिस सीट के अंतर्गत हमें, हम चाहें तो एक ही सीट के अंतर्गत उसका रिज़ल्ट भी दे सकते हैं और उसके पूरी डेटा एंट्री भी यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए हम इसी में करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सीट की अपेक्षा ज़्यादा है कि प्रत्येक क्लास का एक सीट बन जाए और उसमें सब कुछ मैनेज हो जाए। तो आपको क्या करना होगा कि नेम जो हमने फील्ड लिया है, इसके बाद हम यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पर जनरेट करते हैं। राइट क्लिक किया, इंसर्ट पे गए, यहाँ पर हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। ये कॉलम सिलेक्ट हो गया है। अब हम इसमें स्टूडेंट का यदि फादर नेम रखना चाहते हैं तो फादर नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे। मदर नेम आप लेना चाहते हैं तो एक कॉलम और आप इंसर्ट कर लीजिए। मदर्स नेम या मदर नेम, ये हमने मेंशन किया है। इसके बाद हम एक और कॉलम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। जिसके अंतर्गत हम ट्रिपल SSM ID नंबर और एक और हम इंसर्ट करते हैं। जिसके अंतर्गत हम आधार नंबर यहाँ पर रखेंगे, हम ट्रिपल SSM ID और इसमें रखते हैं हम आधार नंबर। इसके बाद हमें ज़रूरत होती है डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरीज, अन्य डेटा की, तो हम वो इसमें यहाँ पर एक और कॉलम मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट कॉलम यहाँ पर आ जाएगा हमारा DOB। देखिए ये हमने डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट कर लिया है और जब डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया है, जो जो फील्ड हमें चाहिए, इसके अलावा भी आपको कोई फील्ड की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यदि उसका टोटल फीस का भी कॉलम आप रखना चाहते हैं याददाश्त के लिए, मार्कशीट में नहीं होगा, याददाश्त के लिए कि हाँ इसका रिजल्ट देना है या नहीं देना है, तो वो अलर्ट कर दे, तो वो एक बात अलग हो सकती है। लेकिन अभी हम उसको यहाँ पर नहीं रख रहे हैं। अभी हम जिन फील्ड की हमें आवश्यकता है, जो हमें मैंडेटरी है, वो हमने रखा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखेंगे और अब हम अगली फील्ड का डेटा फिल कर रहे हैं, वो है फादर नेम, मदर नेम, उसका समग्र ID नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। आधार कार्ड नंबर जो भी यहाँ पर होगा वो मेंशन कर देना है। 12 डिजिट का आधार नंबर होगा वो आपको मेंशन कर देना है यहाँ पर। यदि इस प्रकार का डेटा ये आता है तो आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर फॉर्मेट सेल में जाना है, और या तो आप इसको नंबर फॉर्मेट में ले सकते हैं और जो डेसिमल सिंबल्स हैं उनको 0 कर दीजिए, यहाँ पर शो होने लगेगा। और भी इसके तरीके हैं जिसका हम अलग वीडियो में क्लियर करेंगे आपको, किस प्रकार के कौन कौन से नंबर आप ले सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं। चलिए डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन कर दीजिए, जो भी डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट का रहेगा वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी के हैं, तो यहाँ पर आप लिस्ट भी जनरेट कर सकते हैं, जनरल, SC, ST, OBC, या फिर आप टाइप कर दीजिए। उसमें ये रहेगा कि आप जैसे ही उस पर जाएंगे तो लिस्ट में से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा ओनली, इसके अलावा बाकी डेटा सिलेक्ट नहीं करना होगा। तो लिस्ट क्रिएट कैसे की जाती है वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि आप किसी भी डेटाबेस का लिस्ट किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर कैटेगरी असाइन कर देते हैं OBC। इसके बाद मार्क्स वाला जो पैटर्न्स है ये पूरा आपको यहाँ पर छोड़ देना है।
अभी हम इस डेटाबेस को फिल नहीं करते हैं। इस प्रकार से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का रिकॉर्ड आपको मेंशन कर लेना है। अब ये डेटाबेस जब हम क्रिएट कर चुके हैं, इसके बाद आगे का जो हमारा कार्य रहेगा वो है यहाँ पर इसको लिंक के माध्यम से जोड़ना, यानी VLOOKUP के माध्यम से डेटा को लिंक करना एक सीट से दूसरी सीट पर। जिस सीट पर हम डेटा चाहते हैं वहाँ पर हम VLOOKUP के माध्यम से इस डेटाबेस को ऐड करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इस स्टूडेंट के रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमारा डेटाबेस शो हो जाए, तो हम यहाँ पर एक और फील्ड जनरेट करेंगे, वो है रोल नंबर, या एनरोल के आधार पर चाहते हैं तो हम यहाँ पर एनरोल ऐड कर देते हैं। ये एनरोल हमने ऐड किया और आप यहाँ पर एनरोलमेंट मेंशन करना होगा आपको प्रत्येक क्लास का, जैसे एमपी बोर्ड या प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने विश्वविद्यालय का एक एनरोलमेंट जनरेट करते हैं या एमपी बोर्ड का एनरोलमेंट जनरेट करते हैं। तो जैसे जो बोर्ड की क्लासेस हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर 9th से एनरोलमेंट जनरेट होता है, तो जो एनरोलमेंट वो जनरेट करते हैं उस सीरीज के अंतर्गत बहुत कुछ इन्वॉल्व करके रखते हैं। उसी प्रकार आप भी एक एनरोलमेंट सेट कर लीजिए, या तो हम एनरोलमेंट का सिलेक्ट करते हैं एक सीरीज क्लास के अनुसार, जैसे 6th क्लास है या 5th क्लास है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं 5th TH लगाएं और 101, तो ये हो जाएगा 5th 101, उसका एनरोलमेंट हो गया, यानी 5th क्लास का 101 एक स्टूडेंट्स हैं। तो इस प्रकार से भी आप इस मेंशन कर सकते हैं, या फिर स्कूल का है तो हम इसमें अपना स्कूल या एकेडमी का नाम मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ ऐसे यानी शुभम अकेडमी 5th 101, इस प्रकार का सीरीज, यानी ये एनरोलमेंट हम जैसे ही टाइप करेंगे तो हमारे सामने उसका डेटाबेस होगा। चलिए, तो हमने यहाँ पर कुछ फील्ड मेंशन की और उन फील्डों में रोल नंबर भी आप चाहें तो रख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि रोल नंबर एनरोलमेंट एक ही मेंशन करना है तो बहुत अच्छी बात है, एक में ही दोनों का काम हो जाएगा, रोल नंबर भी और एनरोलमेंट भी। चलिए, तो यहाँ पर हमने फील्ड किया है। अब हमें क्या करना होगा कि इसकी जो मेन सीट है जहाँ पर आप रिजल्ट सीट में को प्रिंट करना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं रिकॉर्ड, जहाँ फिल होंगे वो तो सीट ये हो गई, यानी एक बार टीचर को इस डेटा सीट पर जो है कि मार्क्स इनपुट कर देना है। यहाँ पर मार्क्स डेटा नेम्स सेव है, जो लिस्ट उनकी बनकर का आएगी उस लिस्ट में जो है कि नाम ऐड कर देंगे। यहाँ पर कैटेगरी वगैरह हम पहले ही ऐड करके रखेंगे, अब सिर्फ टीचर को रिजल्ट के समय में मार्क्स इनपुट करना है, जैसे उसे हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, सोशल साइंस के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, टोटल तो खुद निकालेगा ही, यानी ये मार्क्स इनपुट करना, टोटल परसेंटेज डिवीजन सब कुछ ए टू जेड, बाकी का हमारा डेटाबेस जो है वो इसको कंप्लीट करेगा। तो अब यहाँ पर हमने दे दिया और हम चाहते हैं सबसे फर्स्ट में इसके रोल नंबर, तो ये हमारा डेटाबेस तैयार हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में इनको VLOOKUP के माध्यम से जोड़ना देखेंगे। आप चाहें तो अभी हमने एक ही रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट किया है, आप इससे ज़्यादा रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड कर लीजिए, इसके बाद हम आके देखेंगे उसका प्रैक्टिकल किस प्रकार से हम जब स्टूडेंट का एनरोलमेंट डालते हैं तो उसका पूरा डेटाबेस हमारी मार्कशीट में आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे हम उसकी फॉर्मेटिंग्स और उसके अंतर्गत कंडीशन लगा करके उसका मैनेज करेंगे। तो आप जो है कि इतना बनाने के बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।